बिहार चुनाव में फिर उछला पाकिस्तान का मुद्दा। पटना रैली में योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को बताया पाकिस्तान परस्त, सर्जिकल स्ट्राइक का भी भाषण में किया जिक्र। विवादित कृषि कानून के मसले पर राज्यों और केंद्र के बीच टकराव बढ़ा। पंजाब के बाद कांग्रेस की छत्तीसगढ़ और राजस्थान सरकार कानूनों के खिलाफ करेगी विधानसभा में प्रस्ताव पेश। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने लौटाई विशेष सत्र बुलाने की फाइल। टीआरपी रेटिंग घोटाले की जांच करेगी सीबीआई। लखनऊ में दर्ज एक एफआईआर के बाद योगी सरकार ने की थी सीबीआई जांच की सिफारिश। सुशांत आत्महत्या मामले की ही तरह टीआरपी घोटाले की जांच भी कर रही थी मुंबई पुलिस। दिवाली से पहले केंद्र सरकार का सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। 30 लाख से ज्यादा नॉन गेजेटेड कर्मचारियों को एक मुश्त मिलेगा बोनस। सरकार बोनस बांटने पर करेगी 3,737 करोड़ खर्च। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से एनसीपी में शामिल। कहा अलाकमान से नहीं, देवेंद्र फडणवीस के चलते छोड़ी बीजेपी। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूख अब्दुल्ला से एक हफ्ते में ईडी ने की दूसरी बार पूछताछ। जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ के अध्यक्ष रहते हुए कथित घोटाले को लेकर हो रही है जांच। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर समेत 9 सदस्यीय समूह ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी कर किया दावा। हाथरस मामले में योगी सरकार ने सच दबाने और अभियुक्तों को बचाने की कोशिश की। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 76.5 लाख के पार। 24 घंटे में 54,000 से ज्यादा नए मामले आए। 717 की हुई मौत। एक्टिव केस घटकर 7,40,000 हुए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बेशलेट ने भारत में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और विदेशी अनुदान लेने पर लगे प्रतिबंध पर जताई चिंता। कहा भारत में मानवाधिकार की वकालत करने वालों की दबाई जा रही है आवाज। और आईपीएल के 39वें मैच में आज कोलकाता नाइट राइडर्स की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में होगा मुकाबला।